स्वागत है दोस्तों ताज़ा खबरों में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, दिल दहलाने वाला सुसाइड नोट। लड़की सिर्फ माँ की कोख या फिर कब्र में सुरक्षित, मौत की कहानी पढ़कर कांप उठेगी आपकी रूह। चेन्नई में आत्महत्या का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। 11वीं की छात्रा ने एक भावुक सुसाइड नोट लिखकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में लिखा, न शिक्षकों पर भरोसा करो और न ही रिश्तेदारों पर, लड़कियां सिर्फ माँ के गर्भ या कब्र में ही सुरक्षित हैं। पुलिस ने बताया कि छात्रा ने अपने सुसाइड नोट की शुरुआत में यौन उत्पीड़न बंद करो लिखा है। स्कूल जाने वाली छात्रा के इस सुसाइड नोट ने उसके परिवार और पुलिस के लिए कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आखिरकार छात्रा ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। पुलिस के मुताबिक 11वीं की छात्रा अपने माता पिता के साथ चेन्नई के बाहरी इलाके में रह रही थी। शनिवार को उसका शव घर की छत से लटकता मिला था। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस को छात्रा का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है, लड़कियां सिर्फ माँ के गर्भ या कब्र में ही सुरक्षित हैं। छात्रा का सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रा ने सुसाइड नोट में और भी बातें लिखी हैं। उसने लिखा, स्कूल सुरक्षित नहीं है और शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सपने में भी मेरी आंखों के सामने खौफनाक दृश्य नाचते रहते थे। मानसिक प्रताड़ना के कारण न तो पढ़ सकती थी और न ही सो सकती थी। उसने लिखा, हर माता पिता को अपने बच्चों और बेटों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। सुसाइड नोट में आगे लिखा था, यौन उत्पीड़न बंद करो। सुसाइड नोट के अंत में लिखा था, जस्टिस फॉर मी। पुलिस ने छात्रा के दोस्तों से भी पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने अपने दोस्तों से काफी दूरी बना रखी थी। ऐसा लंबे समय से चला आ रहा था। छात्रा ने लोगों से घुलना मिलना भी बंद कर दिया था। छात्रा के सुसाइड नोट से उसके दर्द और हताशा के बारे में साफ पता चलता है, जिसके बारे में शायद उसके परिवार को भी पता नहीं था। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में कथित यौन उत्पीड़न के कारण 4 और आत्महत्याएं हुई हैं।